वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस इस वीडियो में अपन क्या करने वाला है आपने देख के लिया होगा थंबनेल में। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हो चलो आगे चलते हैं। सो गाइज अपने को जब वीडियो एडिटिंग के लिए जो ऐप लगने वाला है आप देख ही सकते हो फ्रंट स्क्रीन पे, एक प्रिक्वेल और एक वीएन करके, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके अपने को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज अपन सबसे पहले वीएन में 3 स्टिकर वीडियोस करके एडिट कर लेंगे वीएन में। तो सबसे पहले अपने को वीएन ओपन कर लेना है। ओपन करते कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाता है। तो अपने को नीचे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना है और अपने को फोटो में जाना है। यहाँ से एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज ले लेना है। तो ये इमेज ब्लैक है तो प्रॉब्लम आ सकता है एडिटिंग के वक्त, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो गाइस आप वाइट इमेज ही लेना, मेरे पास ब्लैक था इसलिए ब्लैक ही लिया था मैंने। तो ये पूरा बढ़ा देना है अपने को 19 सेकंड तक कर देना है। तो गाइज इसके बाद अपने को क्या करना है अपने को देख ही रहूँगा, टैप टू ऐड स्टिकर करके यहाँ से अपन वीडियो ऐड करेंगे। तो गाइज सबसे पहले अपना जो जो साइज़ है वो ये ले लेंगे अपन टिकटॉक का, इंस्टाग्राम पे रील पे भी यही चलता है, यही साइज़ यूज़ होता है 9.16 का ही। तो गाइज सबसे पहले अपने को क्या करना है, टैप टू ऐड स्टिकर करके अपने को देख रहूँगा यहाँ से वीडियो ऐड कर लेना है। तो मैं एक एक करके वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तुम देख ही लेना। तो गाइज ये ऐड हो चुके हैं ठीक से। तो गाइज ये कुछ अच्छा लग रहा नहीं, तो अपन इसको स्लो मोशन कर लेते हैं। ये थोड़ा अटक चुका है वीडियो इधर से सबसे ऊपर वाला, तो मैं इधर से इसको स्प्लिट कर देता हूँ, आगे वाला डिलीट, उस सही लेवल में लाने था। इसको भी थोड़ा स्प्लिट ही कर देता हूँ, आगे वाला डिलीट। तो गाइस अपने को अब क्या करना है, अपने को इसमें स्लो मोशन करना है थोड़ा सा मतलब बहुत सा करना है। तो अपने को सबसे पहले एक एक वीडियो को करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले वीडियो को करते हैं स्लो मोशन। तो उस पर सिंपली टैप कर देना है, टैप करके अपने को नीचे सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पीड करके, उस पर चले जाना है, इधर से स्लो मोशन कर देना है अपने को, कुछ ऐसा टाइप का स्लो मोशन कर देना है। तुमको जितना लग सकता है उतना तुम कर सकते हो, तो मैं ऐसा ही कर लूँगा। अभी सिंपली सेकेंड वीडियो पर टैप करना है, फिर से इसको भी वो इस टाइप से कर देते हैं। थर्ड वीडियो को भी वही टाइप से कर देते हैं। गाइज़ ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है अपने को। तो गाइज़ मेरा नीचे वाला जो वीडियो है सबसे वो थोड़ा नीचे हो चुका है बहुत सा, उसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो गाइज़ अपने को अब क्या करना है, एक एक वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा देनी है टैप करके। सबसे पहले टॉप का बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस, तो अपने को सिंपली टैप करना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा देना है। तो उनको जितना चाहिए उतना कर सकते हो, तो मैं 25 लूँगा ब्राइटनेस, 24 चलता है, 25 लूँगा सबका। तो गाइस ये होने के बाद अपने को जो वीडियो है वो 14 सेकंड का ही लेना है, पीछे से थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं वीडियो अपन।
सेकंड तक ही लेना है अपने को वीडियो। देखो गाइस आ चुका है इधर, तो गाइस मैं इधर से स्प्लिट कर देता हूँ सिंपली और आगे वाला डिलीट, कुछ कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है गाइस अपने को। तो गाइस ये होने का अपने को ऊपर राइट में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट करके, वहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस ये होने के बाद सिंपली बैक चले जाना है, बैक जाते ही अपने को प्रीक्वेल में जाना है, प्रीक्वेल में अपन फिल्टर लगाए के इफेक्ट लगाए के, इफेक्ट तो कुछ ज़रूरत नहीं है फिल्टर ही लगा लेते, तो अपना वीडियो ले लेना है अपने को। ये लेते ही अपने को फिल्टर में जाना है, फिल्टर पे दिख रहा होगा अपने को सेकंड ऑप्शन फिल्टर, इधर जाना है और इधर से देखो किड कोर करके एक पेक्ट ये ले सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो, लेकिन मैं यही लूँगा। तो सिंपली ये होने के बाद अपने को ऊपर राइट में दिख रहा होगा एक ऑप्शन, वहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज इसको थोड़ा टाइम लगता है, बैग बिल्कुल भी जाना नहीं है, नहीं तो फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता है। तो गाइज होने के बाद नीचे एरो दिख रहा होगा अपने को डाउनलोड पे, तो उस पर क्लिक कर देना है और ऊपर राइट में टिक ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज इसके बाद अपना जो और एक वीडियो था उसको भी फिल्टर लगा लेते हैं, उसको भी फिल्टर लगा लेते हैं। तो ये था वो, इसको भी वही वाला फिल्टर लगाते हैं। तो गाइस ये लगाने के बाद अपने को अपने सेम प्रोसेस करना है। तो गाइस अपने को फिर से वीएन ओपन करना है, वीएन ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है अपने को। अब ये जो वीडियो था 3 सेकंड वाला आप देख सकते हो, सबसे पहले वो लेना है, उसको आगे ले लेना है, आगे लेते ही नीचे वाला जो वॉल्यूम है वो कम कर देना है और इसको फुल स्लो मोशन कर देना है गाइस, फुल ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 सेकंड तक ही करना है। अपने म्यूजिक पे डिपेंड है, तुम्हारा म्यूजिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो, मेरा 15 सेकंड तक का ही है, तो मैं इसे कर लेता हूँ 15 सेकंड तक, ये हो चुका है। तो गाइस यहाँ से अपने को म्यूजिक ऐड कर लेना है, अपना म्यूजिक वीडियो में हो मतलब वीडियो यहाँ से एक्स्ट्रा फॉर्म वीडियो में से यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो मेरा ऑडियो में भी है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज मैं वीडियो फुल प्ले करके नहीं दिखा सकता अपने को, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है म्यूजिक में, तो मैं अभी सिंपली क्या करना है अपने को, टैप टू ऐड स्टिकर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से अपना वो 3 स्टिकर वाला जो वीडियो था वो ऐड कर लेना है फिल्टर वाला। ये करने के बाद अपना जो ये जो वीडियो है 3 स्टिकर वाला वो थोड़ा बैक ले लेना है, जो फर्स्ट बीट जिधर बज रही गाइज फर्स्ट बीट उधर लगाना है अपने को वीडियो। ये देखो गाइस इधर बज, देखो इधर, तो अपने को सिंपली वीडियो उधर ला लेना है, देखो आ चुका है। तो अपने को सिंपली वीडियो को थोड़ा बढ़ा लेना है स्क्रीन पे, इतना इतना ठीक है इतना ही। तो अपने को क्या करना है गाइस, जो 3 स्टिकर वाला वीडियो उस पर क्लिक करना है और सिंपली अपने को एपेक्स में जाना है, एपेक्स में जाते अपने को इसमें जूम इन वाला इफेक्ट दिख रहा है अपने को, ये जूम इन वाला इफेक्ट लगा देना है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये लगाने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ अपने को, मतलब कुछ आया करके, देखो गाइस देखो आया। और इसके बाद अपना जो आगे और एपेक्स लगाएंगे अपन,
तो इधर लगाना है एक एपेक्स, बस सिंपली इधर वीडियो पे टैप करना है, यहाँ से स्प्लिट कर देना है, और ये जो वीडियो है आगे वाला उस पर टैप कर देना है, एपेक्स में चले जाना है, और यहाँ पे अपन कौन सा लगाएंगे, ये वाला वाइट वाला लगा लेते हैं। इसको वाइट वाला कुछ अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, तो अपन इसे बढ़ा लेते हैं, फुल पीरियड बढ़ा लेते गाइस। सेम नीचे वाला जो वीडियो है, नीचे वाला उधर भी ये एपिक्स लगाएंगे अपन, नीचे वाले वीडियो पे क्लिक कर देना है, इधर से एपिक्स में चले जाना है, इधर भी वाइट वाला लगा देते वही, इसको भी बढ़ा देते तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि आगे भी और एक बीट होगी तो उधर भी लगा देते एपिक्स। गाइस ये बीट इधर बजी, इधर तो इधर भी सेम करना है अपने को, इधर भी स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट करने के बाद फिर से एपेक्स में जाना है, यहाँ से अपन अभी ये वाला लगाएंगे, ये झूम के आगे का दिख रहा होगा अपने को, इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। और गाइस सबसे पहले अपने को अब क्या करना है, जब पीछे जाते अपन पीछे पीछे देख लेना है वीडियो आ चुकी है नहीं इधर तक, और इस जो वीडियो इधर कट हो जा रहा है तो अपने को क्या करना है, ऊपर के वीडियो को स्लो कर देना है, और स्पीड में जाके थोड़ा थोड़ा भी कर देते तो बहुत पीछे आ जाते हैं, इसको भी स्लो कर देते हैं। तो बराबर लेवल में आ चुका है आप देख सकते हो इधर से, और आगे वाला डिलीट कर देते, अब प्ले करके दिखा देता हूँ मैं तुमको। तो गाइज मैं ये प्ले करके दिखा नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक का कॉपीराइट का इशू आ सकता है, कुछ ऐसा दिखने को मिल जाएगा, तो मैं ऑडियो कम कर लेता हूँ, साउंड वॉल्यूम मतलब। देखो गाइज कुछ ऐसा दिखने को मिल जाता है कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं ये दिखा नहीं सकता तुमको। तो गाइज इसके बाद अपने को क्या करना है, वीडियो ऊपर दिख रहा होगा राइट में एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट होने के बाद सिंपली बैक जाना है, फिर से अपने को प्रीक्वेल ओपन करना है, प्रीक्वेल ओपन करने के बाद यहाँ से फिर से अपना जो अभी वीडियो में से एडिट किया हुआ वीडियो वो ले लेना है 15 सेकंड का, आप देख सकते हो। ये लेने के बाद अपने को एडजस्ट में जाना है, थर्ड ऑप्शन एडजस्ट। तो गाइज मैंने इसका म्यूजिक कम कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो गाइज ये अपने को लास्ट फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको -50 में कर देना है अपने को। तो गाइज -50 में अच्छा लगता है, प्लस में कुछ ऐसा अलग सा ही लगता है, तो तुम करोगे तो माइनस में करना सब, तो मैं -50 कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं ऊपर एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे लाऊँ वो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस, तब तक के लिए।